गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं पिंकी मसीह फिर से आपका हिंदी कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। जैसे कि हम जानते हैं, एवरीडे हम लोगों को नई नई वर्कशीट मिलती हैं, नए नए टॉपिक मिलते हैं जिसको हम सीख रहे हैं और उसको अपने वर्कशीट में कर रहे हैं। आज का जो हमारा हिंदी की कक्षा का जो विषय है वो है शब्द और वाक्य। आज हम सीखेंगे कि शब्द कैसे बनते हैं और वाक्य कैसे बनते हैं। इसका ज्ञान हमने आपको क्लास फर्स्ट में भी कराया था। चलिए आज फिर से हम इसको दोहराते हैं। तो मेरा क्वेश्चन है आपसे, शब्द किसे कहते हैं या शब्द कैसे बनते हैं? ओके, वर्णों को जब हम सही क्रम से लिखते हैं, है ना, जब हम वर्णों को सही रूप से सही क्रम में लिखते हैं तो वो आगे चलकर क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। क्या बनते हैं? शब्द। वर्णों के सही मेल से शब्द बनते हैं। जैसे कि मैं आपको तीन वर्ण देती हूँ, कितने वर्ण दूंगी मैं आपको? तीन वर्ण, जो कि है द, सा और का। क्या है? ड, सा और का। अब आप मुझे बताइए, डा, सा और का, क्या यह कोई शब्द है? नहीं। लेकिन जब हम इन वर्णों को सही क्रम में जोड़ेंगे, जैसे कि सा, डा और का, तो ये क्या बना हमारा? सड़क। क्या बना? सड़क। तो देखा बच्चों आपने, हमने तीन वर्ण लिए थे, उन तीन वर्णों को जब हमने सही क्रम में लिखा तो उसका एक सार्थक रूप निकल कर आया और उससे क्या बन गया? शब्द बन गया। कौन सा शब्द बना? सड़क। इसी प्रकार जब हम और वर्णों को जोड़ते हैं, जैसे कि का, मा और ला, तो क्या शब्द बना हमारा? कमल। क्या बना? कमल। तो हमने यह जाना कि जब हम वर्णों को सही क्रम में लिखते हैं, ठीक है, और जिसका एक सार्थक रूप निकलता है, सार्थक अर्थ निकलता है, वो हमारे क्या कहलाते हैं? शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? शब्द। इसकी परिभाषा अगर मैं आपको बोलूं तो आप ये कह सकते हैं, वर्णों के सार्थक समूह से शब्द बनते हैं। वर्णों के सार्थक समूह से शब्द बनते हैं। अब हमने शब्द बनाना तो सीख लिया, अब हम देखेंगे कि वाक्य कैसे बनते हैं। तो वाक्य बनाने के लिए पहले हमें शब्दों का ज्ञान होना चाहिए। जब शब्द एक बार हमें आ गए तो उन्हीं शब्दों से हम आगे क्या बनाते हैं? वाक्य बनाते हैं। अब देखो, जिस प्रकार वर्णों से हमारे शब्द बने, उसी प्रकार अब हमारे शब्दों से वाक्य बनेंगे। जैसे कि मैं आपको चार अलग अलग शब्द दे रही हूँ, रोहन है, खाता, खाना, यह हमारे चार अलग अलग शब्द हैं। अब आप मुझे बताइए, अगर हम इन शब्दों को सही क्रम में जोड़कर लिखेंगे तो क्या वाक्य बनेगा? रोहन खाना खाता है, यही बना है ना? हाँ, तो इसका कोई सार्थक रूप है? ये हमें किसी के बारे में बता रहा है? यस, इसका मतलब यह वाक्य सही है। इसी प्रकार अगर मैं आपको और अक्षर दूं, जैसे कि किताब, पढ़ रहा मैं हूँ, क्या है यह सार्थक वाक्य है? नहीं। इसका सही वाक्य क्या बनेगा? मैं किताब पढ़ रहा हूँ। तो बच्चों, अब हमने सीखा कि शब्दों के सही मेल से, जब हम शब्दों को सही क्रम से लिखते हैं तो उससे हमें क्या मिलते हैं? वाक्य मिलते हैं। आशा करती हूँ कि आप समझ गए होंगे। मैं फिर से दोहराती हूँ कि वर्णों के सही मेल से शब्द बनते हैं और शब्दों के सही मेल से वाक्य बनते हैं। अब आपको जो वर्कशीट दी गई है उसमें आपको क्या करना है? आपको वर्णों के सही मेल वाले शब्द
छाट कर लिखने हैं। आपको बहुत सारे शब्द दिए गए हैं बॉक्सेस के अंदर, उन बॉक्सेस में से आपको सही शब्द, मतलब कि काफ़ी सारे शब्द हैं लेकिन आपको वो शब्द छांटना है जिसका कोई अर्थ है, ठीक है, जिसका कोई अर्थ है उस शब्द को आपको छांट कर लिखने हैं। इसी प्रकार आपको बहुत सारे वाक्य दिए गए हैं, जो वाक्य सही हैं उनके आगे आप सही का निशान लगाएंगे और जो वाक्य गलत हैं उनको आप सही करके लिखेंगे। आशा करती हूँ आप सब समझ गए होंगे। धन्यवाद।